Hello everyone, my name is Pahul and I am an alumnus of IIT Bombay. And there is one question that I get a lot, quite often. और ये सवाल ना मेरे से काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं लोग, बट जब से ये चैनल शुरू किया है और ज़्यादा सवाल आ रहा है. सो द क्वेश्चन इज, वाई डिड आई बिकम अ टीचर? इन दिस वीडियो कहानी सुनाते सुनाते मैं इसका जवाब दूंगा आप लोगों को. एंड आई टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिंदी एज वेल, क्योंकि कई चीज़ें हिंदी में फ्लो में निकलती हैं मेरे से. सो इन केस यू वॉन्ट द सब टाइटल्स, दे आर अपलोडेड टू दिस वीडियो, यूट्यूब पे अनेबल कर लो, बस जस्ट अनेबल देम ऑन यूट्यूब. नाउ द क्वेश्चन, पीपल डोंट आस्क ओके व्हाई डिड यू बिकम अ टीचर. द क्वेश्चन इज पुट इन अ वेरी वियर्ड वे. लोग पूछते हैं कि व्हाई डू बिकम अ टीचर आफ्टर क्लियरिंग IIT बॉम्बे, कि IIT करके टीचर ही क्यों बने. एंड इवन वर्स, सम पीपल से अगर टीचर ही बनना था तो IIT क्यों गए. पहले तो ये सोचो, वॉट डज दिस से अबाउट द पर्सपेक्टिव दैट वी हैव. अपने जो लोग हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका ये सोच लो बस कि उनके दिमाग में एक टीचर की क्या वैल्यू है ना. टीचिंग इज अ प्रोफेशन which passes on very important knowledge to the future generations, yes. And ideally speaking, जिस बंदे में सबसे ज़्यादा स्किल है, जिस बंदे में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, जो अपनी फील्ड में सबसे ज़्यादा माहिर है ना, अगर वो नीचे वालों को नहीं सिखाएगा तो आपको लगता है दुनिया आगे बढ़ सकती है. Do you think if that skilled person does not teach others, will this world ever develop? Will this world ever progress? तो आइडियली तो हम सबको समझ आता है कि जो बंदा सबसे माहिर है ना, उसी को टीचर बनना चाहिए, ताकि वो अपना जो सबसे अच्छा प्रिस्टीन ज्ञान है वो सबको बांट सके. पर पता नहीं क्यों ये क्या परिभाषा बन चुकी है टीचर की, कि यार जो लोग अच्छे कॉलेज से होते हैं ना वो टीचर नहीं बनते. वेरी वियर्ड. दिस टेल्स अस हाउ मच पीपल वैल्यू टीचर्स इन आवर सिस्टम, है ना. चलो ये तो हो गई फिलोसफी की बातें, आराम से बैठ के सोचते रहना वॉट नीड्स टू बी चेंज्ड वॉट नॉट. बट मैं अपनी बात करता हूँ अब. सो सिंस चाइल्डहुड आई हैड दिस फैसिनेशन ऑफ बीइंग ऑन द स्टेज, बीइंग एबल टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. थैंकफुली बचपन में ही पेरेंट्स ने मेरे को स्टेज पे चढ़ा दिया था फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में. तो तब से ही ऐसा है कि स्टेज पे जाके ना मज़ा आने लगा. वो एक स्टेज फियर होता है ना जो, वो बचपन से ही बहुत कम हो गया. तो ऑलवेज यूज टू इंजॉय गोइंग ऑन द स्टेज, ऑलवेज यूज टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स. एंड क्लासेस में क्या होता था ना, जब टीचर पढ़ा रहे होते थे तो मैं सोचता था कि अच्छा अगर मैं उनकी जगह होता तो इसको अगर ऐसे पढ़ाता तो शायद बेटर समझ आ जाता. आई एम प्रिटी श्योर यू गाइज डू दिस एज वेल. लेट्स से टीचर टीचेज यू समथिंग, यू गो होम एंड यू रीड अ बुक एंड देन लेटर ऑन यू रियलाइज इफ इट वॉज टॉट इन दैट वे इन द क्लास वुड हैव बीन बेटर परहैप्स. होता है, सबके साथ होता है. तो वो चीज़ मुझे फैसिनेट करती थी काफ़ी ज़्यादा. सो ये कह लो कि आई ऑलवेज हैड द गुड फॉर्चून ऑफ बीइंग टॉट बाय गुड टीचर्स, स्कूल हो, कोचिंग हो, इवन कॉलेज में भी. तो एक ना देयर वाज ऑलवेज अ फैसिनेशन टुवर्ड्स टीचिंग. एंड इफ यू हैव सीन माय अदर वीडियो वेयर आई एम टेलिंग माय स्टोरी ऑफ यू नो गेटिंग इनटू IIT बॉम्बे, यू वुड नो दैट आई हैव अ वेरी good interest towards public speaking and I used to host a lot of concerts etc. So I loved being on the stage, be it for performing, be it for hosting a concert, jo bhi ho stage pe jaake maza bahut aata tha. So jab bahut sare logon se ek saath baat cheet hoti hai na, maza aata. And even when I was in college I used to teach part time online. Vedantu pe padhata tha main online, part time padhata tha us time pe because I liked doing this. I mean, what better than being able to share your knowledge with someone else? और उसका अगर भला हो रहा तो और भी अच्छी बात है ना. सो हमेशा से ये जो फैक्टर है टीचिंग का, इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी क्वाइट अ लॉट. ऐसा हुआ कि when I was in college, obviously there's a lot of peer pressure because everyone is getting internships, everyone is getting placed in their final year. तो placements का time जब आता है ना, you start feeling pressured. मैंने सोचा यार छोड़ो, प्लेसमेंट बाद में होती रहेगी, सीधा टीचर बन जाएंगे. एनीवे आई वाज टीचिंग पार्ट टाइम, उनको बोलेंगे भाई फुल टाइम कर दो मुझे. तो टीचिंग का काफ़ी टाइम से सोच रखा था सीधा टीचर बनेंगे.
अच्छा, बट देन काफ़ी जगह देखा मैंने, सुना, लोगों से बात बात की, सीनियर्स को देख के जेलसी भी होती थी कि यार प्लेसमेंट हो गया इनका, तो दे यूज़ टू पोस्ट स्टेटस ऑन फेसबुक, प्लेस्ड इन दिस कंपनी दैट कंपनी, उनसे पूछते थे कितने पैसे मिल रहे हैं, सो देयर सैलरीज ऑल्सो यू नो वर लुक्रेटिव. तो फिर मैंने आनंद सर से पूछा कि सर आप बताओ क्या करूँ मैं, आनंद सर इज़ बीन अ मेंटर फॉर मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उन्होंने बोला कि देख टीचिंग तो तू कभी भी ज्वाइन कर सकता है, बट एक बार कॉरपोरेट लाइफ एक्सपीरियंस तो करके देख, एटलीस्ट एक साल तो जा कॉरपोरेट लाइफ में, पता तो कर क्या होता है. ठीक है, सो हाफ हार्टेडली लेट्स से आई सैट फॉर द प्लेसमेंट्स, एंड शुरू में हाफ हार्टेड था, फिर मज़ा आने लगा उस प्रोसेस का भी. एंड वंस अगेन सिंस आई लव टॉकिंग टू पीपल, आई वॉज ऑलवेज नॉट दैट बैड एट इंटरव्यूज, सो माई इंटरव्यूज वेंट रियली वेल. एंड ऑन डे फोर ऑफ द प्लेसमेंट्स आई गॉट अ रियली गुड जॉब विद अ रियली गुड पैकेज इन बैंगलोर. देर आर टोटल 16-17 डेज इन द फेज वन ऑफ द प्लेसमेंट एंड आई गॉट प्लेस्ड ऑन द फोर्थ डे इटसेल्फ. तो सही था, काफ़ी अच्छा लगा, यू नो यू गेट अ कॉन्फिडेंस बूस्ट एज वेल कि हाँ अब नौकरी लग गई है यार, लाइफ इज सॉर्टेड फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर. सो ठीक है, बैंगलोर में जॉब लग गई, कंपनी दैट इज वेरी रनाउंड टूडे, आई वॉन्ट नेम इट, एंड आई गॉट द जॉब ऑफ अ बिजनेस एसोसिएट इन दैट कंपनी. तो ये जॉब जो है वो MBA वालों को मिलती है जनरली. दिस इज़ वन मोर एडवांटेज ऑफ बीइंग इन अ गुड कॉलेज, दैट पीपल नो दैट सिंस यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज यू हैव गुड स्किल्स ओवरऑल, नो मैटर व्हाट फील्ड दे पुट यू इन यू विल डू अ गुड जॉब, एक भरोसा रहता है. यस, तो उस चक्कर में आई बिकेम अ बिजनेस एसोसिएट. फॉर वन ईयर आई वर्कड इन दैट जॉब एंड आई वॉज डीलिंग विद टीम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, जो भी MBA वाले काम होते हैं ना प्रॉपर, काफ़ी किए वो भी. सो इन दैट जॉब आई गॉट टू लर्न अ लॉट. मेरे जो मैनेजर्स मिले, जो मेंटर्स वहाँ पे मिले मुझे, वो भी अच्छे थे काफ़ी, उनसे कईयों से तो अभी भी मैं टच में हूँ इवन आफ्टर लाइक 3 years ऑफ दैट. तो उसका मज़ा तो बहुत आया, पर इवेंचुअली ऐसा है ना कि आई ऑलवेज हैड दैट फैसिनेशन विद द स्टेज एज आई टोल्ड यू, दैट कॉम्पोनेंट वॉज मिसिंग फ्रॉम दैट जॉब, अदरवाइज इट वॉज अ गुड जॉब. Ups and downs, obviously there are ups and downs in every job. No job is perfect in this world. There is nothing such as perfection. That concept is flawed in itself. So, perfection is imperfect. Wow. So, बात ऐसी है कि नौकरी अच्छी चल रही थी, I was earning well. But then मेरा mood हुआ कि यार चलो now let's try to get back to teaching because this is one profession where I get to regularly be in front of a lot of people and I also get to contribute in a certain manner. Yes. तो फिर मैंने क्या किया, एक साल दो महीना वो नौकरी की, तब मैंने पैसे वैसे बचा के रख लिए थे. I had bought a 390 Duke. I still have that bike. And उस बाइक पे मैंने पूरा इंडिया घूमा. I traveled 12,000 kilometers on my motorcycle around the country. I was alone. तो बैंगलोर से हिमाचल गया, हिमाचल से मेघालय गया, मेघालय से वापस बैंगलोर. Visited a lot of places throughout this journey. काफ़ी मज़ा आया. And then when I came back, I was like, okay, चलो अब आ गई है बारी नौकरी करने की. So I joined as a teacher. तो देखो पते की बात ये है, I am teaching because I like teaching. I teach because I enjoy this profession. I teach because I am a teacher by choice. ये हमारी वेदांतु के टी-शर्ट के पीछे लिखा रहा था, teachers by choice. And that is absolutely true. 100% in my case. And अब चाहे इस बात को मेरी जिद कह लो, पर मैं वही चीज़ें करता हूँ जिसमें मेरे को मज़ा आता है. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले पड़ता था किसी टाइम पे, बट मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं. मुझे जो मन करता है मैं वही करता हूँ. ठीक है, सो आई इन्जॉय दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग. और एक और पर्सपेक्टिव, एक और पर्सनल गोल कह लो मेरा, आई वॉन्ट टू मेक स्टडीइंग फन. बहुत जगह ना हमारे देश में खासकर, अच्छी बुरी बात कोई नहीं है इसमें, बहुत बार ना अपन क्या करते हैं, पढ़ते वक्त ना वी गेट बोर्ड, मज़ा नहीं आता पढ़ाई का, पढ़ाई फील्स लाइक ज़बरदस्ती करवाई जा रही है ना, होता है बड़ी बार, हम सबके साथ होता है, ऐसा लगता है क्यों. तो वो जो एक ये वाला एक्सप्रेशन है ना, उसको चेंज करना चाहता हूँ मैं, ताकि पढ़ाई में मज़ा आने लगे. इट शुड फील लाइक yet another fun thing to do in a day. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अब पढ़ना पड़ेगा, अरे पढ़ते हैं, something like that.
पर्सनल गोल है मेरा, पता नहीं कितना अचीव हो पाएगा. तो व्हाई एम आई अ टीचर इवन आफ्टर बीइंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग अ टीचर. इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ दोज प्रोफेशंस व्हिच एनेबल्स दिस वर्ल्ड टू डेवलप, राइट? इवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस दैट वी आर इन राइट नाउ, COVID-19 का टाइम चल रहा है जिस टाइम पे वीडियो जा रही है, एवरीवन इज इन लॉकडाउन क्वारंटीन, इस टाइम पे भी टीचिंग इज स्टिल देयर, टीचिंग स्टिल कंटिन्यूज. एंड व्हाट इज टीचिंग एसेंशियली? टीचिंग इज जस्ट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इजंट इट? अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी, अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाएगी, दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी यार? एंड बिफोर आई एंड, देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक दैट दिस प्रोफेशन डज नॉट पे वेल. डू योर रिसर्च बेटर. ऑलराइट, सो यस आई टीच बिकॉज आई लाइक टू टीच, एज सिंपल एज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस. एंड आई होप दिस रैंडम बातचीत वॉज नॉट बोरिंग, आई होप इट वॉज इंजॉयबल टू नो अ लिटिल बिट ऑफ माई परस्पेक्टिव. So, you know what to do on YouTube videos. Stay subscribed. I'll see you soon. Bye-bye.